वो तो बार बार कह रही हैं, कोर्ट में भी कह रही हैं कि नहीं हम रहना चाहते हैं। तो जब आप रहना चाहती हैं तो फिर डिमांड क्यों कर रही हैं? लेकिन पवन जी जो है डिवोर्स दे रहे हैं ना, एक लड़की है, ऐसे कोई आम बात थोड़ी ना, बहन बेटी के शादी करके लाओ फिर बोल दो कि हम नहीं रखना चाहते। अरे की बेटा को ही के बुलावत होई, रोजे रोजे गोहरावत होई, लोग कोई से कहे कि वो कसाई होई रे, लोग कहे ला कि वो कसाई होई रे, उत्तमाई होई रे, उत्तमाई होई रे, उत्तमाई होई रे, उत्तमाई होई रे, रोज रोज बोलावत होई, बेटा बेटा गुहरावत होई, लोग कहे लगे वो तो कसाई होई रे, अरे उत्तमाई होई रे, उत्तमाई होई रे, उत्तमाई होई रे, उत्तमाई होई रे। कोई एक नहीं, हमारे तरफ से ये चीज़ मुझे गलत लग रही है, क्योंकि जब आप उनसे प्यार करती थी, एक आप उनकी अर्धांगिनी थी, जब आप उनको पति मानती थी, तो आपके लिए पैसा कोई मायने ही नहीं रखता है ज़िंदगी में। आप किसी से प्यार करिए, चाहे गाना मैंने गाया था, और किया गोइने कमरा में बत्ती बुता दो, और धनिया हो अपना तू संगे सुता दो, और कि चलो ना घुमा दी तोहके दिलिया गारा, तो लड़कियां बोल रही है, और कि राजा हो धीरे धीरे उठई हो हमार लाल घाघरा, और ये राजा हो धीरे धीरे उठई हो हमार लाल घाघरा। बहुत प्यारा गाना था। मुझे उतना तक नहीं था कि मैं अपने से प्रोजेक्ट कर सकूं, लेकिन मैं जब दिल्ली में आया स्ट्रगल करके, तो आज आप लोगों का आशीर्वाद है कि हर रोज रात रोज प्रतिदिन 10 से 12 गाना मुझे रिकॉर्ड करना होता है। और के आइल बन, और के आइल बनी नाच खाती साटा प, अब बेरी बेरी चुमता रो गाटा प, और की चालू कर जरने टर हम होई अपर टर, आज किछे के तोर होई आज ई साच होई, तो लइकिया कहती है, और की भे पर न बारो हे पर बाबू तबे ई मुनि के नाच होई, और भे पर न बारो हे पर बाबू तबे ई मुनि के नाच होई। एकर बाद भैया के चैनल से है कि और कि हमारा घर में हरदिया नहीं खे दरदिया दिला रजाबू। बहुत बढ़िया बढ़िया गाना भैया के चैनल से आज की जो कल गाना लिया। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव, और आप देखना शुरू कर चुके हैं BCT मीडिया। हम हैं इस समय गणेश नगर नई दिल्ली में, यानी कि बाबा प्रोडक्शन में हैं, और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि भोजपुरी में बनाने से संबंधित, मैकिंग से संबंधित, भोजपुरी में अपडेट क्या है, भोजपुरी में हमारे जो ढेर सारे सुपरस्टार हैं या हमारे ढेर सारे जो सिंगर हैं, इनके रोज़मर्रा की जो अपडेट होती है, रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें होती हैं, इनके रोज़मर्रा की ज़रूरतों में जो उठा पटक होता है, उन सब चीज़ों को दिखाते हैं। कुछ चीज़ें हैं कि जैसे भोजपुरी लोकगीत और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को, और हमारे जो ढेर सारे ऐसे सिंगर हैं जो स्ट्रगल पीरियड में है, तो इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके आप लोगों के बीच में लेकर आते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ में बैठे हैं अभिषेक जी, अभिषेक गिरी जी, बहुत अच्छे सिंगर हैं। ये ऐसे ही मुलाकात हो गया, रियाज कर रहे थे, अभी रिकॉर्डिंग चल रहा था अंदर, लेकिन आज के टाइम पे जब तक सिंगर सिंगर हैं तब तक एक अलग का मैटर है, लेकिन सिंगर जब सुपरस्टार बनते हैं तो अलग का मैटर हो जाता है। जैसे हमारे पवन सिंह जी को देख लीजिए, अभी हाल ही में आप लोग देख ही रहे होंगे कि जो ज्योति सिंह जी और पवन जी का जो मैटर चल रहा है, इसमें तमाम तरह के वाद विवाद अपवाद जो है मार्केट में आ रहे हैं, लोगों के बीच में आ रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि पवन जी एक पत्नी, दूसरा जो अफेयर रहा अक्षरा सिंह के साथ, तीसरा ज्योति सिंह के साथ, और भी लोग बताते हैं तीन चार लड़कियों के साथ जो है इनका जो शादी हुआ वो भी नहीं चला। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, इसी पे बात करने वाले हैं जो है अभिषेक जी से। जी अभिषेक जी, स्वागत है आपका जो है BCT में। सबके दिल से प्रणाम, और भैया के साथ हमने की दूसरा इंटरव्यू लेते नहीं जा, और हमारा और से ये नहीं हो रहा, बस सबसे BCT न्यूज़ जितना लोग देखे वाला बा,
आप सब से प्यार आशीर्वाद देते रहें। जय माता दिव्या। बहुत व्यस्त चल रहे थे, देखा हूँ हारमोनियम वगैरह रियाज भी चल रहा था, अभी रिकॉर्डिंग भी चल रहा था, लग रहा गला भी लग गया आपका। हाँ, बहुत ज़्यादा लगातार रिकॉर्ड कर रहे हैं, रातों दिन काम चल रहा है और नवरात्र का समय आ गया है, इससे पहले लोकगीत चल रहा था और आप लोग का जब तक आशीर्वाद दिल्ली में रहा है तब तक बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो गई है ज़िंदगी में, रातों दिन रिकॉर्डिंग चल रहा है। अच्छा, इतना मेहनत करते हैं, इतना एनर्जी आता कहाँ से है? ये आप लोग का आशीर्वाद है भैया और पब्लिक का आशीर्वाद है, ताकि रातों दिन कर पा रहे हैं। आवाज़ लगा है और फिर भी करना है, क्योंकि आशीर्वाद आप सबका मिल रहा है तो मेरे लिए वही काम है और वही मेरे लिए रोजी रोटी है। अच्छा, शादी हो गया आपका? जी नहीं, शादी नहीं हुआ। कब तक करेंगे शादी? अभी तक सर सोचे नहीं है, क्योंकि कुछ लाइक आप लोग का आशीर्वाद से बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अभी बने नहीं है, और एक छोटे कलाकार हैं, आप लोग के आशीर्वाद की जरूरत है मुझे अभी, तो बस मेहनत कर रहे हैं सर। अच्छा, अभी आप मेहनत कर रहे हैं, शुरुआत है, अभी शादी भी नहीं किए हैं, भविष्य में मान के चलिए अगर आप स्टार बनते हैं, शादी करते हैं, तो एक जो फैमिली जिम्मेदारी होता है, जो घरेलू रिलेशन होता है, उसके प्रति क्या नज़रिया है? नहीं, घरेलू रिलेशन भी हमको घर से संबंध बहुत अच्छा है और मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मानते हैं, हम भी मानते हैं। खैर, हर इंसान की एक ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है भैया, जो कि हमारे बीच में भी एक कमी रही है। स्टार्टिंग से सपोर्ट नहीं मिला है मुझे और मैं तीन साढ़े तीन चार साल से स्ट्रगल किया। मैं बहुत जगह पटना और बक्सर ये सब स्ट्रगल करके आज मैं यहाँ तक आया हूँ, क्योंकि मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मुझे उतना तक नहीं था कि मैं अपने से प्रोजेक्ट कर सकूं, लेकिन मैं जब दिल्ली में आया स्ट्रगल करके, तो आज आप लोगों का आशीर्वाद है कि हर रोज़ रात रोज़ प्रतिदिन 10 से 12 गाना मुझे रिकॉर्ड करना होता है, आवाज़ लगा रहता है मेरा, फिर भी मेहनत करते हैं, क्योंकि खुशी होती है मेरे लिए, काम ही सबसे बहुत बड़ी चीज़ है भैया। अभी हाल ही में मैटर चल रहा है, मैंने आपसे बात किया था जैसे फैमिली मैटर को लेकर, पवन जी हमारे सुपर स्टार हैं, लोग उनको पावर स्टार भी कहते हैं, कुछ लोग उनको सरस्वती पुत्र भी कहते हैं, लेकिन जो उनका निजी लाइफ रहा है, वैसे नहीं बात करना चाहिए, लेकिन अब निजी लाइफ नहीं रह गया, सोशल मीडिया में आ गया, पब्लिक के लिए एक तमाशा भी बन चुका है। आप एक सिंगर हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, भविष्य में खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मैटर हो, लेकिन क्या मानना है कि ज्योति सिंह और पवन जी के मामले में, ज्योति सिंह ने 8 करोड़ रुपये का जो है बोला गया है, पवन सिंह से डिमांड किया गया है, सही है गलत? नहीं, हमारे तरफ से ये चीज़ मुझे गलत लग रही है, क्योंकि जब आप उनसे प्यार करते थे, एक आप उनकी अर्धांगिनी थी, जब आप उनको पति मानती थी, तो आपके लिए पैसा कोई मायने ही नहीं रखता है ज़िंदगी में। आप किसी से प्यार करिए, चाहे वो माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, कोई भी हो, तो उसके बीच में पैसे की कोई मर्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, तो ये मेरे हिसाब से गलत है भैया। और बाकी उन लोगों का ज़्यादा गहराई से तो हम जानते नहीं है कि क्या उन लोगों के बीच में क्या है क्या नहीं है, लेकिन पति पत्नी हैं दोनों, पवन जी और जो है ज्योति जी, पति पत्नी हैं, ये तो हम जानते हैं कि पति और पवन जी डिवोर्स देने के लिए जो है अपील कर रखा है अदालत में जी। तो मैं इस चीज़ को जो किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं पवन भैया उतना ही मान्य है भोजपुरी के लिए और वो भी उतना ही मान्य है, लेकिन मुझे ये चीज़ का थोड़ा सा गलत लगा कि आप उनसे प्यार करती हैं, धर्म पत्नी है उनकी, ठीक है, आप वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, अगर आप रहना चाहती तो 8 करोड़ चाहे 10 करोड़ चाहे जो कुछ भी हो, आपका डिमांड नहीं होता, क्योंकि आप भी नहीं रहना चाहती हैं, इसीलिए आप डिमांड कर रही हैं ये चीज़ों को। तो वो तो बार बार कह रही हैं, कोर्ट में भी कह रही हैं कि नहीं, हम रहना चाहते हैं, तो जब आप रहना चाहती हैं तो फिर डिमांड क्यों कर रही हैं? लेकिन पवन जी जो है डिवोर्स दे रहे हैं ना, एक लड़की है, ऐसे कोई आम बात थोड़ी ना, बहन बेटी का शादी करके लाओ फिर बोल दो कि हम नहीं रखना चाहते। तो अब उनकी अब कुछ भी कमी रही होगी तो पवन भैया आज मैंने सोच रहे होंगे, अब चाहे अब उनकी अब उनके उनके बीच में क्या रिलेशन है, कैसा है, हर लोग तो जानता नहीं है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, सिर्फ जो न्यूज़ में सुनते हैं और जो हम लोग देखते हैं उसमें गलत और सही का निष्कर्ष करते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं यही, और बाकी अब क्या बोल सकते हैं सर। लोगों का आरोप है कि पवन जी जो है औरतों के मामले में या लड़कियों के मामले में, या उनका जो घरेलू रिलेशन रहा है, पहली शादी, फिर अक्षरा सिंह के साथ अफेयर, फिर ज्योति सिंह वाला मैटर, तो वो उस लायक नहीं है, लड़कियां इग्नोर करने, बायकॉट वाला मैटर चल रहा है इसमें। भैया ये तो भोजपुरी में चलता है, एकरा खातिर क्या करे भाई, तभी तो ने जब तक ये चली ना तब तक हमारा बुझात नहीं कि ये तो चलबे करी और केहू